हाँ जी, अं एएनएम वर्कर हाँ जो फील्ड से काम करते हैं। करोना के कहा गया ही करोना योधे आ, देखो करोना योध्या का की हाल हो रहा पंजाब में। वह भी नवजोत सिंधु जोड़े पंजाब के प्रधान आ, देखो किमें केंद्र एक पास केंद्र मैं कंजक पूज रहा, देखो कि वधिया कंजक पूजिया अज इन्होंने अपनी गड्डी थले घसीट घसीट के छत्ती भी नहीं किए, 36,000 कह रहे झूठे पोस्टर लाए हुए, 36 भी नहीं मुलाजम रेगुलर किए। लेकिन इनका सारा ट्रीटमेंट जो है, कोरोना पॉजिटिव हुए इनका सारा ट्रीटमेंट जो इन्होंने खुद किया, काफ़ी पैसे लगे लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक हॉस्पिटल, जहां पर एक बड़ी खबर आई है। यहां पर अपने लिए मांग करने वाली कुछ महिलाएं जो कि हेल्थ वर्कर हैं, जिन्हें कोरोना योद्धा भी कहा जाता रहा, कोरोना के समय में फूलों की वर्षा करके जिनको सम्मानित किया जाता रहा, आज उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया। जैसा कि हमें बताया गया, मिली जानकारी के अनुसार ये नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे थे, परंतु मांगे मांगने की बजाय उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। पुलिस मुलाजिमों द्वारा उनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के पीछे किया गया, ताकि पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का रास्ता साफ़ हो सके। रास्ता साफ किस तरह का होगा ये तो आने वाले इलेक्शन में जनता ही बताएगी, लेकिन एक पंजाब प्रधान के सामने मांगों को लेकर बैठे देश की बेटियाँ, जिनको घसीट घसीट के पुलिस द्वारा पीछे धकेला गया और उन पर गाड़ी तक चढ़ाने की कोशिश की गई, ऐसा मामला हमें जानकारी मिली है। और उस बारे में हम यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ एक महिला जो हेल्थ वर्कर है खुद भी, आज वो अपनी हेल्थ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इनको गंभीर चोटें लगी हैं उसी धरने में बैठने हुए, और इनकी हालत इतनी नाजुक है कि ये अब चल फिर भी नहीं सकती। जैसा कि इनकी हालत देखने में लग रही है कि अभी ये चलने को भी मोहताज हैं अपनी इंसाफ की मांग को लेकर। तो मैम, सबसे पहले बताएँ कि आप किस चीज़ की मांग को लेकर धरना कर रहे थे? तो आप देख रहे हैं जैसे कि इनको बोलने में भी कठिनाई सामने आ रही है, तो हालत आप समझ ही सके होंगे कि इनकी क्या हालत होगी। तो आप में से कोई बता सके इनके साथ क्या वाकया गुजरा? हाँ जी, अं एएनएम वर्कर हाँ जो फील्ड से काम करते हैं। करोना के कहा गया ही करोना योधे आ, देखो करोना योध्या का की हाल हो रहा पंजाब में। वह भी नवजोत सिंधु जोड़े पंजाब के प्रधान आ, देखो किमें केंद्र एक पास केंद्र मैं कंजक पूज रहा, देखो कि कंजक पूजिया अज इन्होंने अपनी गड्डी थले घसीट घसीट के। उन्होंने जरा प्रशासन ही उन्होंने कुड़ियों चुक चुक के देखो, कोई उत्थे लेडी पुलिस होनी चाहिए ही, जिन्होंने जेंट्स पुलिस ने हाँ बहुत ज़्यादा कुड़ियों का बदतमीजी ना पेश आए हैं, इन्होंने बंद की कार्रवाई की जाए जो भी इस मामले दे। जिस तरह तुम दस रहे हो पुलिस से भी मामला दर्ज होंगे, पर गल करिए चन्नी सरकार, हम बात करें चन्नी सरकार की, तो चन्नी सरकार का एक स्लोगन है मसले कर दी हल, चन्नी सरकार घर घर कर चन्नी सरकार का मसले कर दी हल। तो ये कैसे मसले हल हो रहे हैं कि आप इंसाफ की मांग अपनी मांगे लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं? कोई मसले नहीं, चन्नी सरकार ने अजे तक हल किए, नवजोत सिंह सिद्धू ने साडे नाल वादा किया मैं चन्नी सरकार को कोई मसला नहीं हाडा हल किया अजे तक भी। अं एएनएम आ टोटल 2950 आ एन आर एम के अंडर, जिहड़ियां इन्हां कोई 2100-2200 पोस्टा खाली पईआं उहदे उत्ते सानूं करन पक्के, जिहड़े भी जिन्नियां पोस्टा खाली बंदियां, बाकी कहिंदे 10 साल वाले करने आ, 10 साल दे हो गए जिहड़े, बाकी टर्न वाइज करी जाण। इससे पहले चेन्नई सरकार द्वारा ये भी कहा गया कि 36,000 नौकरियां पक्की की जाएंगी, जो कि आप कच्ची पोस्ट है, 36,000 से अधिक नौकरियां पंजाब में पक्की की जाएंगी, तो उनमें से इनकी गिनती आ रही है। यहां तो हम देख रहे हैं तो हर वर्ग जो एजुकेशन देख लें या मेडिकल देख लें, हर वर्ग धरने पर बैठा है। पंजाब एक धरने की धरती बनता जा रहा है जब से चेन्नई सरकार सामने आई है, चंद दिन की सरकार है, और इस पर किस तरह से मसले हल ये सरकार करेगी? ये 36 भी नहीं किए, 36,000 कह रहे झूठे पोस्टर लाए हुए, 36 भी नहीं मुलाजम रेगुलर किए, झूठे वादे कर रहे हैं कांग्रेस सरकार, झूठे वादे कर रही है। दसो धियां भैन ताड़ियां सारियां सड़कों पर बैठिया, 1.5 महीने तो अं 15 नवंबर तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कत्थू नंगा टोल प्लाजे पर भी साडा धरना लगा हुआ, सिद्धू साहब की कोठी के सामने भी, उधरों 34 सैक्टर से भी साड़ियां कुड़ियां बैठिया हुई, लगातार अं धरने कर रहे हैं। कोई नहीं, अज कल मीटिंग कभी कर लेंगे वादे तो मुकर जाते, कर लेंगे वादे यही मुकर जाते। नवजोत सिंह सिद्धू के वाइफ कहें जो साड़ी सरकार आएगी मैं तुम्हें पक्या करा, कोई नहीं अजे तक कोई भी, वह तो पानी का गिलास नहीं पिया सके सूँ, उन्होंने पक्के की करना। तो बात हो रही है पानी गिलास की, अगर जो हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन वो सरकार के देने की जिम्मेवारी होती है, परंतु आज सरकार की ये हालत है कि हेल्थ वर्कर और एजुकेशन के टीचर भी धरने पर बैठे हुए हैं, पंजाब की धरती पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये आप देख रहे हैं महिला जख्मी है, इनकी हमने पहले भी बात करने की कोशिश की, परंतु इनसे बात करने की भी हालत इस समय नहीं है, तो हम इनके साथ और भी साथी हैं उनसे बात करेंगे, तो जानेंगे कि आपकी हाज़िरी में इनके साथ क्या वाकया गुजरा और आपकी हाज़िरी में इनके साथ क्या वाकया गुजरा, और इनके साथ सुनने में आया है कि और भी महिलाएं जख्मी हुई हैं।
हाँ जी, दो होर साढ़े नाल स्टाफ से जोड़े जख्मी हुए उन्होंने सट्ट लगियाँ, पर इन्हों बहुत ज़्यादा गंभीर सट्ट लगी आ। जो उन्होंने असी उठा के लिया सूँ लगता नहीं कि हूँ चल पागे, बहुत ज़्यादा इन्हों लक की प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ज़्यादा घरीस के इन्होंने गड्डी के जो नंघी सिद्धू साहब की गड्डी इन्हों तोड़ लैके जाते रहे, घरीस के नाल लैके जाते रहे, तो पर देखा तक नहीं आ कि कोई मुलाजम थले आ रहा कि नहीं आ रहा। इतों तक कि जेंट्स पुलिस ने इन्हों धक्का मारिया जो कि उतने लेडीज़ पुलिस चाहिए सी, जेंट्स का हक ही नहीं बनता एक लेडीज़ न धक्का मारन का। बात करें पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार में चन्नी सरकार जब से सामने आए 2000 रुपये का सगन डाला उन्होंने गाड़ी रोक कर, एक गरीब परिवार को 2000 का सगन डाला, तो 200 करोड़ के लगभग करोड़ों के होर्डिंग लगा दिए गए मशहूरी के लिए। परंतु यहाँ पर सामने के वो अपनी इंसाफ की मांग लेते, एक हेल्थ वर्कर को चोटें लग जाती हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ी की ब्रेक तक नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगी, कोई ब्रेक नहीं लगी जी, और बिल्कुल चोरों वांगू भजे अज उतों कि जिमें असी उन्होंने साढ़े कोश है से साढ़े कोई हथियार से कुछ ही उन्होंने कुछ कर देना से उन्होंने, वो तो इंज भजे जिमें असी अगे लैके बरूद खड़े हाँ, हाँ तो उन्होंने कोई देखा भी नहीं भी कोई किसी चोट लग गई या किमें, जे 10 मिनट साढ़े को खलो भी जाते साड़ी गल सुन भी लेंदे तो कोई हर्ज नहीं सी। जब हम बात करें पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू की, तो उनकी फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया पर देखे तो लोगों की भलाई करते हुए आम जनता से बात करते हुए अलग अलग पोस्टें भी हैं, तो क्या वो पोस्ट सच्चाई आप हम जमीनी स्तर पर बात करें तो कितनी सच्चाई है उस पर? शोशेबाजी है जी सारी, कोई शोशेबाजी है उस पर, कोई सच्चाई नहीं है। तो ये पंजाब के हालात हैं जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंजाब के हालात अपनी इंसाफ की मांग को लेकर, अपने हक की मांग को लेकर बैठने वालों पर गाड़ी चढ़ाने तक के यहाँ पर ऐसी हरकतें की जाती है पंजाब सरकार द्वारा। तो यहाँ पर जो महिला पीड़ित महिला हैं उनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आपकी पत्नी इस समय लेटी हुई है, इनके हालत इतनी नाजुक है कि अब ये चल फिर भी नहीं सकती अभी, तो उस समय क्या आप या आपके कोई पारिवारिक मेंबर उस घटना स्थल पे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, ठीक है, उधर काम कर रहा था मैं, जब पता चला मैं भागकर जल्दी चले आया कि पता नहीं क्या बात हुई, इधर आकर देखा तो बहुत सीरियस है, ठीक है, अब एक्सरा हो रहा है, MRI भी होगी, उसमें पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खेती बाड़ी का काम आप करते थे, घर की एक बागडोर ये भी संभालते थे, परंतु अब इनकी हालत बेड रेस्ट पे, जैसा कि अभी ने बोला गया बेड रेस्ट पे। अब आपका परिवार एक हक की मांग लेने के लिए गया था, परंतु अब परिवार पर एक और आपदा आ गुजरी है, उसके बारे में क्या कहना? हमारा घर का काम जो है इनके सिर पर था सभी, ठीक है ना, अब घर का काम हमें करना पड़ेगा, घर वालों को करना पड़ेगा, मेरी माता जी बुजुर्ग हैं उनको करना पड़ेगा। सरकार ने तो आपकी सुनी नहीं, सरकार सुनती तो इनकी ये हालत ना होती, फिर भी अपनी इंसाफ के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना योद्धे, मेरी पत्नी को कोरोना मतलब कि पॉजिटिव हो गए थे, 10 दिन हॉस्पिटल में एमरजेंसी ड्यूटी के दौरान, ये भी पता नहीं था कि मतलब कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो भगवान की कृपा हो गई फिर भी बच गए, हम इतना शुक्र करते हैं कि फिर भी बच गए, ठीक है, हम सरकार से मांग करते हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन ज़रूर हो, और ऐसे एक्शन हो कि देश में इस सूबे में बार बार धरने ना देने पड़े, तो ऐसे धरने देने वाले और उनकी ज़रूर सुनवाई की जाए, और साथ में ऐसे पुलिसकर्मी जो कि अपने नेताओं का रास्ता साफ करने के लिए धरना दे रहे, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, उनको घसीट के पीछे खींचा जाता है, और अपने पुलिस के कानून तक नहीं मानते कि महिला को पीछे धकेलने के लिए महिला पुलिस ही चाहिए, ऐसे मुलाजिमों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया इनको पीछे धकेलने में भी पुलिस मुलाजिम ही शामिल थे जिन्होंने इसे पीछे धकेला। तो ये थी लाइव भारत की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने बताया कि किस तरह एक अपनी इंसाफ की अपने हक की मांग को लेकर बैठी महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार पंजाब सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और इनके सहयोगी हैं जो कि अपना विचार रखना चाहेंगे, तो हाँ जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जब कोरोना के टाइम में हम लोग काम कर रहे थे तो हमें ये कहा गया था कि आपको अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, जहाँ किसी को कोई बीमार होता है, उसको उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इनका सारा ट्रीटमेंट जो है कोरोना पॉजिटिव हुए इनका सारा ट्रीटमेंट जो इन्होंने खुद किया, काफ़ी पैसे लगे लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। तो फिर सरकार ने मदद भी नहीं की, सरकारी ड्यूटी के दौरान इनको 8-10 लाख के करीब इनका खर्चा अपने घर से हुआ। आपको पता ही घर पहले तो नौकरी हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे है, इतने पैसे होते नहीं, कहीं ना कहीं से अरेंज करके इन्होंने इनका ट्रीटमेंट करवाया। अब ये हमें आगे हमारी कोई सुनवाई भी नहीं है। उसमें तो कैप्टन सरकार थी, कैप्टन का कहना था हम कोरोना फ्री फाइल बनाते थे, कोरोना पीड़ितों के लिए फ्री दवाएं सब कुछ दिया जाता था, कुछ नहीं, सब कुछ झूठ है। वो सिर्फ जिनको होम क्वारंटाइन करते थे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके लिए मेडिसिन आती थी, जो एडमिट हो जाते थे उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका सारा कुछ खुद करते हैं हम लोग अपने पॉकेट से ही, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि
अपने टेबल पर बैठे बड़े बड़े बयानों के बावजूद यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है, तो ये तो ये खुद ही बयान कर रहे हैं कि जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है। तो ये है आज के पंजाब की हालात, आज के पंजाब के चंद दिन की चन्नी सरकार, लेकिन यहाँ पर इंसाफ की मांग को लेकर होते धरने प्रदर्शन, परंतु इंसाफ की मांग मांगने की जगह इन पर हो रहे अत्याचार। तो लाइव भारत फिर से आपके साथ रूबरू होगा ऐसी खबर के साथ, बने रहे लाइव भारत के साथ। तब तक दें इजाजत, कैमरामैन सुखविंदर कोहली के साथ कैलाश वर्धवती की रिपोर्ट। सत्यम ज्वेलरी हाउस की ओर से सभी शहरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर डायमंड ज्वेलरी।